हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो नीट 1.0। तो जैसे कि आपको पता है, स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि आज मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट से ग्लाइकोलाइसिस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है, ग्लाइको लाइसिस दो है, फर्स्ट के बना हुआ है, फर्स्ट ग्लाइको, दूसरा लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब पॉइंट ये आता है कि ये ग्लूकोज जो है वो आता कहां से है। तो जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, पर कैसे, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। और ये सुक्रोज हमें कैसे मिला था, जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो इसी फॉर्म में बनाते हैं, इसीलिए। तो वहां से हमने इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम ग्लाइकोलाइसिस कर सकें। और ग्लाइकोलाइसिस का पर्पज क्या होता है, एनर्जी जनरेट कराना, एक तरीके से पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसमें। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता है, यूनिवर्सल पाथवे होता है, यूनिवर्सल पाथवे है। क्यों, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में ग्लाइकोलाइसिस होता है। दूसरा, एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों ही कंडीशन में देखा जाता है, दोनों ही कंडीशन में होता है। दूसरा नाम इसका जो होता है वो होता है ईएमपी पाथवे। क्यों, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इस पाथवे को दिया था उनके नाम के बेसिस पे, एम्बिजन, मेयरहॉफ एंड पेरनस, इनके नाम पर इसे बोला जाता है ईएमपी पाथवे। दूसरी चीज ये होती है कि ये कितने स्टेप्स में होता है। जैसे अगर स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है इसको लर्न करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 10 स्टेप्स में होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि कितने स्टेप होते हैं तो आप फिर कंफ्यूज हो गए कितना लर्न करना है। तो स्टार्टिंग के कैसे डिवाइडेड है, पांच पांच स्टेप डिवाइडेड है। स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिपरेटरी स्टेप या प्रिपरेटरी फेज बोल देते हैं। मतलब जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले आप तैयारी करते हो, और जब तैयारी हो जाती है तो लास्ट के वो 5 स्टेप हैं जो कि क्या होते हैं, पे ऑफ स्टेप या पे ऑफ फेज जिसे बोलते हैं। मतलब एग्जाम वाला दिन जो होता है, जो पहले से मेहनत की है, जितनी पढ़ाई की है, वो एग्जाम वाले दिन पूरा अपना जान लगाकर एग्जाम नोटबुक में लिख देना सारा कुछ, ठीक है। तो ये होते हैं 5 स्टेप स्टार्टिंग के, वो होते हैं जो कि प्रिपरेशन करेंगे साइकिल की। और लास्ट के 5 स्टेप वो होते हैं जो कि इसका पे ऑफ करेंगे, मतलब लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इस साइकिल का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको नॉर्मल सी बात है, सुनने से पता चल रहा है कि ये जो साइकिल होगी कैसे स्टार्ट होगी, ग्लूकोज से स्टार्ट होगी। ग्लूकोज के बाद ये कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, पर मेरे वर्डिंग ध्यान रखना मैंने क्या बोला। उसके बाद ये होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये होती है फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। बिस्फॉस्फेट या बाईफॉस्फेट बोल देते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो कन्वर्ट होता है वो होता है, एक होता है डीएचएपी में, डीएचएपी, और एक होता है जी3पी में। अब ये 3 है, बी नहीं है, 3 है ये। तो अब आप ये ध्यान रखना कि ये जो था वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, सिमिलरली ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, और ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। अब ये दोनों जो होते हैं वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, वो 2 कार्बन के
जो तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, एक होता है DHAP और एक होता है G3P। इसका फुल फॉर्म होता है डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। और इसका हो जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं थोड़ा सा इसके एंजाइम की बात करूं, जैसे ये एक से दूसरे में कन्वर्ट कैसे हुआ है उसकी अगर हम बात करें, तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है तो यहां जो एंजाइम काम करता है वो करता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है वो बनता है आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट जो बनता है वो बनता है फ्रक्टो काइनेज। आप लोग मेरे साथ भी अगर रिपीट करोगे तो ये साइकिल बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी आपको। साइकिल क्या, पाथवे बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये जो तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटा है, ये टूटता है एल्डो लेज एक एंजाइम है उसकी हेल्प से। और ये जो होते हैं ना दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे का आइसोमर होते हैं। तो ये क्योंकि हमें आगे जो ले जाना है, आगे जो हमें ले जाना है वो ये वाला मॉलिक्यूल लेकर जाना है, हम DHAP को यूज नहीं करते। ये मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है। कैसा फेज होता है? प्रिपरेटरी फेज। तो ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोएंजाइम की तरह काम करता है MG2, ये हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग और है, वो पूरी साइकिल पढ़ने के बाद हम कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, हमने जैसे बताया कि ये 5 स्टेप तक यहाँ हो गया यहाँ पे। अब अगला 6 स्टेप है, जैसे ये 3 है तो DHAP को भी मैंने बताया कि वो कन्वर्ट हो जाता है इसी में। तो आगे जो भी बनेंगे ना वो तीन तीन बनेंगे। तो G3P के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या बनता है, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी दे रखा होता है और फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें यहां से ये शुरू हुआ। अब इसके बाद जो बनता है वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें दे रखी होती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके बाद बनता है फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, जिसे हम PEP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। अब जैसे मैंने पिछली, अब पाइरुवेट तक आ गया, अब लास्ट में इससे बन जाता है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। पाइरुवेट बोल सकते हैं या पाइरुविक एसिड बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि यहां से जितने भी स्टेप होंगे वो दो दो में होंगे, क्योंकि DHAP भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है, G3P को ही हम आगे ले जाते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, दो दो होंगे। तो अब क्या हुआ, हमने कहां से स्टार्ट किया था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था और एंड में आते आते क्या हुआ, हमारे पास दो मॉलिक्यूल मिल गए पाइरुविक एसिड के। तो इससे हम एक चीज समराइज कर सकते हैं कि हमने क्या लिया था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था। इस साइकिल का पर्पस क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पाइरुविक एसिड बनाना। क्या बनाना, दो पाइरुविक एसिड। स्टार्टिंग के जो स्टेप होते हैं उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है और लास्ट के जो 5 स्टेप होते हैं उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर मैं एंजाइम्स की, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया आपको, अगर मैं एंजाइम्स की अगर बात करूं यहाँ पे, तो एंजाइम जो यूज होंगे G3P से जब 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है G3P डीहाइड्रोजिनेज, मतलब कुछ तो हाइड्रोजन से रिलेटेड हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजिनेज रिमूव हो रहा है मतलब एक तरीके से। फिर 1,3-बिस फॉस्फेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो ये बनता है काइनेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, पर आप सिंपली काइनेज लिख सकते। अब इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट
ग्लिसरेट जब बनता है तो वो बनता है म्यूटेज से, म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, मतलब वही सिमिलरली फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब टू फॉस्फोग्लिसरेट से जब पीईपी बनता है, मतलब इसको हम पीईपी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इससे टू फॉस्फोग्लिसरेट से जब फॉस्फो इनोल पाइरुवेट बनता है, तो ये किसकी हेल्प से बनता है? इनोलेज। इनोलेज एक एंजाइम होता है, एंजाइम का आप देख सकते हो लास्ट में एएसई आता है। और पीपी से जब पाइरुवेट एसिड बनता है, तो ये किसकी हेल्प से बनता है? पाइरुवेट काइनेज की वजह से, पाइरुवेट काइनेज की वजह से। इनको आप एक दो बार रिपीट करोगे तो ये सारा आपको लर्न हो जाएगा। अब बात ये आती है, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि इसका पर्पस क्या है कि एनर्जी जनरेट करना, लेकिन एनर्जी की तो हमने कहीं बात ही नहीं की साइकिल में। ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ अभी एनर्जी कैसे होती है यहाँ पे जनरेट। तो हम जैसे स्टार्टिंग में बात करेंगे, तो जैसे जो स्टार्टिंग स्टेप है ना, स्टार्टिंग के जो स्टेप है, जैसे ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है, तो यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हो जाती है। क्या होता है? एक एटीपी कंज्यूम हो जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये रिएक्शन आपने नॉर्मली पढ़ रखी हैं। उसके बाद जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ भी यूज हो जाता है। किसका? एटीपी का। यूज हो रहा है यहाँ पे, बन नहीं रहा है एटीपी, यूज हो रहा है यहाँ पे एटीपी। तो ये भी फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी प्लस पीआई, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये हमारे स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन की है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, पे ऑफ थोड़ी ना, कुछ रिजल्ट थोड़ी ना मिल रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनको एनर्जी की जरूरत है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया भाई, लेकिन अब एनर्जी वाले स्टेप आएंगे कहाँ यहाँ पे? एनर्जी बनेगी कैसे, मेन पॉइंट तो ये है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने पहले ही देखा कि यहाँ पे ये क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो मैंने बोला था पहले ही कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो NAD+ होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या होता है यहाँ पे, ये बना देता है NADH+H, ये बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है यहाँ पे, स्टार्टिंग में क्या था, एटीपी कंज्यूम किया था, यहाँ पे क्या है, एटीपी रिलीज करेंगे। और एटीपी कैसे रिलीज होती है? जब बॉन्ड टूटते हैं तब। तो जब ये केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो बन रहे हैं 1,3-बिस्फॉस्फेट से 3-बिस्फॉस्फेट, तो कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटा है यहाँ पे, फॉस्फेट का एक बॉन्ड रिमूव हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, एटीपी रिलीज होगी। तो 1,3-बिस्फॉस्फेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो क्या होता है यहाँ पे, एटीपी का होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्ड कम हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे देखो 1,3-बिस्फॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट है और यहाँ पे एक ही फॉस्फेट रह गया, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो टूट गया, प्लस पीआई, और हमें क्या मिल गया, एटीपी मिल गया। अब दूसरा, जैसे ये जो स्टेप होता है 3 से 2 की साइड जाता है, जैसे ये हो गया हमारा 6 स्टेप 7 और ये हो गया हमारा 8 वाला स्टेप, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता। और दूसरा जो एटीपी मिलता है, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, तो पाइरुविक एसिड मतलब फॉस्फेट बॉन्ड फिर से यहां से रिमूव हुआ है, तो क्या होगा कि फिर से यही चीज होगी कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमें एक बॉन्ड टूटा, तो क्या मिला, एटीपी मिल गया। क्या मिला? एटीपी। और ये यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं सारे? दो दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, दो दो मॉलिक्यूल हैं, तो क्या है, ये दो दो एटीपी मिल रही है हमें। स्टार्टिंग में एक एक मॉलिक्यूल था, वहां 2 स्टेप में एटीपी यूज हुई थी, तो क्या था कि जो, और इससे पहले जो 9th वाला स्टेप है, ये लास्ट वाला स्टेप है, और ये जो 9th वाला स्टेप है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ध्यान रख सकते हो। देखो, अब मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, इसको अच्छे से समझना, कि यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुई आपकी, यहाँ पे भी एटीपी कंज्यूम हुई, एक एक मॉलिक्यूल एटीपी का कंज्यूम हुआ। ठीक है, अब क्यों बता रही हूं मैं ये सब चीजें आपको, क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनानी है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एनएडीएच मिल गया हमें, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। अब यहाँ पे हमें 2 एटीपी मिल गए और ये 2 एटीपी मिल गई। ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ में, और 10th स्टेप में, और 10th स्टेप में। ठीक है, ये मिला है हमें यहाँ पे। अब जैसे अगर मैं आगे नेक्स्ट पेज पे, मैं अगर इसके सॉरी, अगर मैं यही बात करती हूँ, इसकी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा अगर मैं यही बताऊंगी। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है
फर्स्ट और थर्ड स्टेप में क्या हो, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी कंज्यूम हो गया, एटीपी कंज्यूम हो गया, यूटिलाइज कर लिया या कंज्यूम हो गया, दो मॉलिक्यूल हो गए एटीपी के, ठीक है। अभी फॉर्मेशन क्या हुई, फॉर्मेशन क्या हुई, एक ये वाले स्टेप में और एक ये वाले स्टेप में, तो हमें कितनी एटीपी मिल गई, ये दो एटीपी का हो गया। लेकिन एटीपी जो फॉर्म हुई है, फॉर्म्ड, वो कितनी हुई है, चार एटीपी फॉर्म हुई है। और अगर आपको पता हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं एनएडीएच एफएडीएच, उनसे क्या है, तो यहाँ पे ये कौन कौन से स्टेप में हुई है, एक तो 10th स्टेप में मिला है और एक मिला है आपको 6th एंड 10th स्टेप में, ये मिला है आपको, ठीक है। और एनएडीएच जो होता है, एक एनएडीएच जो होता है वो क्या करता है, तीन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, दो यहाँ कंज्यूम हुई थी, चार ये फॉर्म हुई और तीन हो गई ये हमारे पास, तो एटीपी जो हमारी फॉर्म हुई वो कितनी हो गई, थ्री और फोर सेवन हो गया। सेवन में से टू माइनस करेंगे तो फाइनल ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमें एटीपी मिलता है वो कितना मिलेगा, 5 ATP मॉलिक्यूल। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि क्या होता है इसमें, और एटीपी कितनी फॉर्म होती है, और किस स्टेप में एटीपी कंज्यूम होती है, और किस स्टेप में एटीपी रिलीज हो रहा है। तो ये पर्पज है हमारे इस साइकिल का। जैसे अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं इस लेक्चर को, तो हमने क्या क्या पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है वो दो वर्ड से बना हुआ है, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके क्या करना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें दो पाइरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाने हैं, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ये, दो 10 स्टेप में होता है। स्टार्टिंग के 5 स्टेप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिपरेटरी स्टेप स्टेप्स होते हैं, और लास्ट के जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं, पे ऑफ, क्योंकि यहाँ एटीपी मिल रही है हमें, यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की शॉर्ट से लेक्चर में। और जैसे साइटोप्लाज्म में होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, ईएमपी पाथवे बोलते हैं, एरोबिक एनएरोबिक दोनों कंडीशंस में होता है। एनएरोबिक कंडीशन क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर दी मोर सच वीडियोज। सो थैंक यू।